अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूँ मलिक अमाद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मलिक अमाद। आज जी अभी हम निकल रहे हैं हरिपुर से इस्लामाबाद के लिए, और आज दिन 13 अगस्त का, कल सुबह 14 अगस्त है, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और अभी हम इधर से निकल रहे हैं यानी कि खानपुर रोड से, यानी खानपुर भी नहीं कह सकते हम, ये कोट नजीबुल्ला रोड है। जब ये अतारा है आपको नज़र आ रहा है कि ट्रक जा रहा है, तो फिर अता रहे हैं। अभी हमारी स्पीड है 40 की और हम निकल रहे हैं आगे इंशाल्लाह। और ये अतारा रोड है, और यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी कि लोग काम शाम करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं सबकत इस्लामाबाद घूमने फिरने, और मैं ख़ुद ड्राइव कर रहा हूँ, और कैमरा मैन सामने मेरे, और मैं वॉइस पीछे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सामने बोल नहीं रहा किसी वीडियो में। ये जी अभी हम मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, और व्लॉग कोई और बना रहा है, मैं सिर्फ ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी। और जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है तैयब, वो मेरे गांव का है, उसको जानते हैं जो दिन से व्लॉग देख रहे हैं। कपड़े की दुकान है उसके, मैं कपड़े वगैरह ख़रीदता था। वो कह रहे हैं जी 13 अगस्त को जाते हैं घूमने, क्योंकि सुबह 14 अगस्त होगी रात 12 के बाद, और बहुत ज़्यादा रश होगी। आप आगे इंशाल्लाह चलते जाएँ, आपको इस्लामाबाद जा के दिखाते हैं व्यू 14 अगस्त का, के लोग कैसे इंजॉय करते हैं। और इंशाल्लाह तो ये भाई आप भी व्लॉग देखें, आप व्लॉग को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अभी मैं वीडियो में रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, बोल बाद में रहा हूँ व्लॉग। और अभी हम जा रहे हैं मोटरवे के ऊपर, अभी हमारी स्पीड है 100 की, 120 की तकरीबन स्पीड, और ये कह रहे हैं आराम से चलाओ, लेकिन व्लॉग की आवाज़ मैंने बंद की। अभी जी रात हो गई है, और अभी टाइम हो रहा है 7:25, मोटरवे के ऊपर हैं हम क्याम तोम पे। यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, और इस वजह से हमने स्टे किया। और ये देख सकते हैं कि कितना जो है, कितनी रश है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ आसपास खड़ी हैं, 14 अगस्त की तैयारी है, झंडे वगैरह लहरा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। और अभी हमने पेट्रोल भी डलवाना है, और इस वजह से हम यहाँ रुके हैं, और नमाज़ भी पढ़नी है, और इंशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और साथ पेट्रोल डलवाते हैं, और इंशाल्लाह सफ़र आगे शुरू करते हैं। यहाँ कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, बल्कि यहीं कार कर देते हैं। ये रही जी हमारी गाड़ी, और अभी हम नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, और ये सब तरफ आप रश देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है। घुमाता हूँ मैं कैमरा आगे इस तरफ, आप ये देखें इस तरफ रश, आसमान देखें कितना अच्छा हो रहा है। और अभी हम निकलते हैं आगे। ये जी अभी हम पहुंच चुके हैं पेशावर मोटरवे, यानी कि दारा मोटरवे पे पहुंच चुके हैं, और ये देख सकते हैं कितनी रश है पीछे, और ये देख सकते हैं आगे कितनी ज़्यादा रश है। और अभी टाइम हो रहा है 8:35, यानी कि 40 मिनट तकरीबन हो गए हैं, और अभी हम ये टूल प्लाजा जो है उसके पास खड़े हैं, और ये रश देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रश है। और मैं गाड़ी के बाहर कैमरा कर रहा हूँ, मैं खुद अभी कैमरा मैन बना हुआ हूँ। ये भी देख सकते हैं जी काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम, और रश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी टूल टैक्स देते हैं और अभी आगे निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए। हमने जाना है पहले लोहार मार्केट जाना है हमने, वहाँ मैं लोहार मार्केट आपको जाके दिखाऊंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत इंजॉय करवाएँगे इस व्लॉग में। देखते रहें मेरे चैनल को इंशाल्लाह नेक्स्ट भी। अभी देते हैं टूल टैक्स, फिर निकलते हैं आगे इस्लामाबाद। ये जी अभी हम श्रीनगर हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और अभी 80 की स्पीड हो रही है, और ये अभी गिलानी रोड पे हम चढ़ेंगे यहाँ से, और इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस्लामाबाद आगे, क्योंकि रश है और बहुत दिल बहल रहा है, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। आगे व्लॉग एंड तक ज़रूर देखें, मैं व्लॉग थोड़ा सा लम्बा बना रहा हूँ, लेकिन माजरत। अभी ये पुल आ गया नीचे, ये श्रीनगर हाईवे आपको पता होगा, ये सारी जगह सारे यहाँ पे आता रहता है, और उसको पता ज़रूर होगा कि श्रीनगर हाईवे कैसा है, क्योंकि कोई भी बंदा है जब उतरता है नीचे मोटरवे से ना, तो इस्लामाबाद हाईवे पे ज़रूर चढ़ता है। अगर ना भी चढ़े तो एक रावलपिंडी जाता है सीधा रास्ता, और एक बाईं तरफ नीचे श्रीनगर हाईवे पे चढ़ता है, और ये वही रास्ता है। आगे यू टर्न है, हम इस तरफ रख के गाड़ी ले कर चलते हैं रावलपिंडी। हमने रावलपिंडी जाना है बाहर बाहर से, और हम मैप की मदद से जा रहे हैं। ये जी अभी हम 40 या 50 की स्पीड में जा रहे हैं, और अभी हम कश्मीर हाईवे पे से उतर चुके हैं, और अभी हम हमारी रोड पे पीछे देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा है 14 अगस्त की वजह से।
और अभी मैं व्लॉग कर रहा हूँ रात को एडिटिंग इसकी। और आज तकरीबन गालबन 8वां महीना है कि 9वां है, और 17 तारीख लग रही है मुझे कि आज 17 है, ये मुझे ख़ास मालूम नहीं है, लेकिन ये आज आपको मिल जाएगा व्लॉग। अभी यहाँ से हम यू टर्न लेंगे। ये जी सामने होंडा सिविक 2022 मॉडल जा रही है, जो लेटेस्ट मॉडल आई है, और ये ब्लैक रंग में देख सकते हैं। इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग कर रहा हूँ। यहाँ देखें, ये कट मारी मैंने, कट क्यों मार रहा हूँ, लगा हुआ है सिद्धू मूसेवाले का गाना ऊंची ने गला मेरे यार दियाँ, ये वाला गाना लगा, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आए, इंजॉय करें। माशाल्लाह 13 अगस्त हम इंजॉय कर रहे हैं, और तरफ झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। पीछे हम जब टूर ट्रैक दे रहे थे तब भी झंडे ही झंडे थे सब तरफ। ये जी अभी हम लोअर बाज़ार पहुंच चुके हैं, और ये व्यू आप चेक कर सकते हैं कि कैसा है, बहुत तंग गली है ये बहुत ज़्यादा। जहाँ रिश्का नहीं गुजरता वहाँ मैं गाड़ी ले आ रहा हूँ, वो भी होंडा सिविक। ये देख सकते हैं रोड कितना ब्लॉक है, बिल्कुल छोटी सी जगह, और यहाँ मैं घुसा तो चुका हूँ, अब वापस कैसे लेगा। लोग कहते हैं यहाँ कभी इससे पहले ये गाड़ी नहीं आई, पहले आदमी तुम लेके आ रहे हो। यहाँ देखें बाइक ही बाइक है, और पैदल लोग चल रहे हैं, और मैं गाड़ी लेके आ गया, और रश का आता है बस। अभी यहाँ से देखते हैं कहीं से टर्न करते हैं, वो जगह कोई नहीं, वो कह रहे हैं दूर दूर तक जगह कोई भी नहीं टर्न करने की, लेकिन मैं कर लूँगा, एक्सपर्ट हूँ एक्सपर्ट ड्राइविंग में माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं कि जो बाज़ार में रश है, इसको कहते हैं लोहार बाज़ार रावलपिंडी, बहुत रश है। 13 अगस्त है आज, बल्कि 14 अगस्त शुरू हो गई है। ये सामने गाड़ी मैं पार्क कर दी, और अभी जाते हैं अंदर बाज़ार में, और जहाँ पार्क की है ये रोड पता नहीं कौन सी है, मुझे मालूम नहीं बिल्कुल, और हमें मुझे इतना मालूम है सिर्फ हमने जाना है लोहार बाज़ार, बस लोहार बाज़ार लोहार बाज़ार लोहार बाज़ार, रावलपिंडी में है लोहार बाज़ार। जिसको पता हो वो कमेंट में ज़रूर बताए कि मुझे पता है लोहार बाज़ार कौन सी जगह पे आते हैं, और इस रोड का क्या नाम है जहाँ पे चिंची रश्के खड़े हैं, और जिस पर गाड़ी हमने पार्क की है, पार्क की है उनके। और अभी हम जाते हैं अंदर बाज़ार में, कुछ खाएंगे, लेकिन अभी वो खाएंगे नहीं, अभी हम अभी सिर्फ हम अंदर जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर इनका ये सामने जो दो लड़के चल रहे हैं, ये इसमें से एक तैयब है, एक तैयब का दोस्त है, बस दो लोग हैं हम आए हैं, और एक यहीं का है, दो लोग तीन लोग टोटल हम गाड़ी में आए हैं होंडा में। और अभी हम अंदर बाज़ार चलते हैं, देखते हैं राउंड चाला कैसा है बाज़ार का, क्या हो रहा है। ये सामने इसको देखे बंदा, तो ये बस ऐसे ही ऊपर प्लम रहे, और ये टायर वगैरह लगे हुए हैं ऊपर, और ये झंडे वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि 14 अगस्त है, आपको पता है अभी 14 अगस्त शुरू होने में 1 घंटा बाकी है, अभी 11 हो रहे हैं, 12 बजे 14 अगस्त शुरू हो जाएगी, और ये देख सकते हैं झंडे ही झंडे माशाल्लाह। खूब जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, जब 14 अगस्त मना लेते हैं लोग, झंडियाँ रोडों पे रोल रही होती हैं, झंडे रोडों पे रोल रहे होते हैं। बाज़ार में आ चुके हैं लोहार बाज़ार में, और ये देख सकते हैं लोहार बाज़ार में अक्सर लोहे बिकते हैं, और आज ये कपड़े वगैरह बिक रहे हैं 14 अगस्त के तैयारी में। सीज़न होते हैं ना, हर एक सीज़न होता है, और उसका अपना अपना मज़ा होता है। यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रश है, ये देखें सब्जी वगैरह भी लेके जा रहे हैं, ये पापड़े बजा रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग। आई लव पाकिस्तान, कायद आज़म जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। ये लोग बहुत ज़्यादा रश है रावलपिंडी, ये पागल हैं पागल पागल पागल। इनको पता नहीं क्या हो गया, मुझे ये नहीं पता, दमक बजी दमक है दमक, आवाज़ें ही आवाज़ें हैं इधर उधर सब तरफ। यहाँ ब्लॉग बनाने का मज़ा भी तभी आता है जब रश हो और मुख्तलिफ तरह के लोग हों। और ये खा रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मैंने जूस पिया है आम वाला, ये मशीन बनाती है ना, जैसे जो मशीन वो बनाती है आइसक्रीम, वही मशीन वो बनाती है, और वो खा रहा हूँ। और ये अभी जा रहा हूँ बस भाई, ये जो कि संभाल जो फैसल मसल जो सारा कुछ ज़्यादा रात मुबारक। मैं बात आपको देता हूँ सबको जो पाकिस्तानी है,
लेकिन फ्लैग को संभालें पाकिस्तान के झंडे को खास कर। ये जी अभी हो चुका है टाइम एक का और बाज़ार अभी घूम रहे हैं हम इधर उधर सब तरफ। ये अभी मरी रोड को निकलेंगे जाकर, अभी अमराल पिंडी में मरी रोड को जाकर टच करेंगे। काफ़ी घूम घूम गलियों से निकल के अभी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ दाएँ बाएँ प्लाजे हुए हैं बहुत बड़े, कपड़ों की दुकानें हैं, ख़ासकर 14 अगस्त की हर तरफ ही दुकानें, हर तरफ जहाँ गुलवारमर दुलार बाज़ार है उधर भी कपड़ों की दुकान है, जहाँ लोहे होते हैं हर वक्त बाज़ार में झंडे झंडे सजाए हुए हैं। बस ये देखें गाड़ी बस काट रहे हैं, इधर उधर काट रहे हैं, मैं कैमरा मैन बनाऊँ ड्राइव मैं ख़ुद नहीं कर रहा। ये तैयब भाई हैं उनके एक दोस्त हैं वो ड्राइव कर रहे हैं जो रावलपिंडी में ही रहते हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइव कर रहे हैं माशाल्लाह A1, और मैं साथ बैठा हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं थक भी गया था। 20 की स्पीड पे जा रहे हैं हम और ये देख सकते हैं दाएँ बाएँ कपड़े कपड़े, ये भी इनकी दुकान है जो तैयब भाई के दोस्त हैं उनकी दुकान है, ये यहाँ रुकेंगे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। और ये अभी हम पहुँच चुके हैं ये रावलपिंडी में ही एक जगह है इस्लामाबाद सॉरी, यहाँ पे इस ठेले पे पहुँचे हैं ये गाड़ी और अभी 14 अगस्त के ठेले पे हैं। अभी हम आ चुके हैं मरी रोड पे, ये मरी रोड है सारा और ये रही गाड़ी और ये रही इस रोड पे तो हम उस दिन भी आए थे। यहाँ पे मैं उस दिन, अगर आप उस दिन वाला ब्लॉग आपने देखा है तो मैं यहाँ पे आया था उस दिन भी। और ये बन रहे हैं गोश वगैरह इनका बन रहा है, ये सारे जो हैं जो वो बना रहे हैं, उस दिन मैं यहीं पे आया था इसी जगह। सुबह सुबह का टाइम है और ये रही गाड़ी और अभी ये जी अभी सुबह का वक्त हो रहा है और अभी हम पहुंचे हैं अपने घर हरिपुर में और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 5:41 और पूरी रात में सोया नहीं हूँ तो गाड़ी के साथ लगा रहा हूँ। 8,000 रुपये का गैस पेट्रोल खा गई है हमारी गाड़ी, 8,000 रुपया इस्लामाबाद का। और 5 अगस्त मनाने के सबक है, सबक इंसान को मिलता है और मिले इंशाल्लाह। इन्जॉय बहुत किया, खाया पिया सब कुछ, लेकिन इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिए।